हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ H&M शॉपिंग हॉल। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैंने जो सेकंड पैकेट ऑर्डर किया था वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, हाँ बट रिसेंटली मुझे रिसीव हो गया है और सारे आइटम अमेजिंग आए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइटम्स हैं सारे। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरा मतलब मुझे पहले तो जब तक मैंने सारे आइटम्स को देखा नहीं था तब तक तो बहुत ही हेडेक थी मुझे कि पता नहीं रिटर्न करना पड़ेगा या क्या होगा। बट सारे आइटम बहुत ही अच्छे आए हैं और मैं वन बाय वन सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ और उनकी स्टाइलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं बिना देरी स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, मैंने ड्यूरिंग सेल आइटम्स कुछ परचेज किए ऑनलाइन, टाइम पर मुझे वो पैकेज रिसीव नहीं हुआ था, बट रिसेंटली मुझे वो रिसीव हो गया है और मैं आज आपके साथ वो हॉल शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे अभी पैकेट रिसीव हुआ है आज। और काफ़ी अच्छे आइटम्स हैं सारे, स्पेशली ये विंटर शॉपिंग हॉल है तो विंटर से रिलेटेड हैं सारे आइटम्स। जो प्रीवियस हॉल था वो भी विंटर से रिलेटेड था तो उसमें भी सारे आइटम्स विंटर से रिलेटेड था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं वन बाई वन शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहला आइटम है, जो फर्स्ट आइटम है, वो है ये स्कार्फ। ये स्कार्फ चेक में है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका कलर। अभी आपको समझ में आएगा मैंने ये कलर क्यों ऑर्डर किया स्पेशली। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी स्कार्फ के अकॉर्डिंग ठीक ठीक है, बट शॉल नहीं है, शॉल के जैसा चौड़ा नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है वो ठीक ठीक है और काफ़ी वॉर्म भी कर रहा है। मैंने इसको स्टाइल किया है, काफ़ी सही है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, पिंक एंड ब्लू, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे इसका कॉम्बिनेशन और काफ़ी अच्छा लग रहा है, वॉर्म भी कर रहा है, तो क्या बात है। और मैंने इसको भी ड्यूरिंग सेल ही परचेज़ किया है, सारे आइटम्स ड्यूरिंग सेल हैं तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। मुझे बहुत ज़्यादा ये स्कार्फ पसंद है। मेरे पास एक स्कार्फ है जो बड़े चेक में है, बट ये छोटे चेक में है, बहुत ज़्यादा छोटे चेक में नहीं है बट ठीक ठीक है। जो दूसरा है वो स्क्वायर है बट ये रेक्टेंगुलर शेप में है ये वाला स्कार्फ। एंड देन मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो जब आप वो प्रोडक्ट देखोगे तो आपको स्कार्फ का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हुडी। फ्रेंड्स, ये हुडी है जो मैंने ओवर साइज परचेज किया। ओवर साइज है इसका जो साइज़ है वो एक्चुअल साइज़ नहीं है, ओवर साइज्ड है। एंड मैंने इसको परचेज किया एस में और ये मुझे तब भी बहुत ढीली हो रही, मुझे शायद एक्सेस लेना चाहिए था, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट लग रहा है। तो ये वाला जो हुडी है इसमें अच्छा सा वॉर्म है अंदर और काफ़ी अच्छा है यार। और इसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी कि आप एक साइज़ कम लो, तो मैंने ना इसको फिर मैं एम पहनती हूँ, मैंने एस लिया, फिर भी ये मुझे लूज़ है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्पेशली जब लेयरिंग करने का टाइम आता है ना तो फिर हेडेक हो जाती है, तो मैं इसलिए विंटर्स के ना कुछ क्लोथ्स ओवर साइज़ ही लेती हूँ जिससे आप लेयरिंग अच्छे से कर सको। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसमें अंदर आप टर्टल नेक वाइट कलर का पहन के एंड इसको स्टाइल कर सकते हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और काफ़ी यूनिक है कलर इसका और मुझे बहुत ही अच्छे रेट पे मिल गई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। मैंने इसको स्टाइल किया अपनी पिंक कलर की शॉर्ट स्कर्ट के साथ। एक्चुअली स्कर्ट नहीं है वो स्कॉर्ट है जो मैंने ज़ारा से लास्ट ईयर ली थी, मैंने उसकी भी रील ऑलरेडी शेयर की हुई है। और ये इसका ये हुडी उस स्कार्फ के साथ जो मैंने अभी स्कार्फ दिखाया ना अच्छे से मैच हो रही, तो मैंने दोनों को एक साथ स्टाइल करके देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। और हैंडबैग तो था ही मेरे पास और काफ़ी अच्छा लुक रेडी हो गया। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है इसकी। अभी मैंने वॉश नहीं किया है एक भी क्लोथ, तो मुझे वॉश के बाद का नहीं पता, बट वैसे ऐसा होता नहीं है, मैंने बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि कलर फेड होने के चांस नहीं होते हैं, 1% 2% चांस है। अगर इसका कलर निकलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड देन फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये छोटू सा बैग। ओ कितना क्यूट लग रहा है ना यार, कितना छोटू छोटू सा है। इसमें आप अपने आईपॉड्स डाल सकते हो, छोटू छोटू सी है इसकी पॉकेट्स। और इसका जो कलर है ना वो बीज और पेल पिंक टाइप का है, मतलब बीज टाइप का ही है, मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा इसका कलर है एक्चुअली क्या।
और इसमें से दो छोटी छोटी पॉकेट दी हुई हैं, एंड इसमें एक ये थोड़ी सी बड़ी पॉकेट दी है जहाँ आप कॉइन्स वगैरह इसमें भी डाल सकते हो और इसमें कुछ अपना पासपोर्ट वगैरह डाल सकते हो, ईजिली आ जाएगा। एंड ये जो मेन पॉकेट है वो ठीक ठाक बड़ी है, गहरी भी है, क्योंकि इसकी चौड़ाई देख रहे हो ना, वो पूरा मेन पॉकेट है। और इसको आप ना, इसकी जो स्ट्रैप है वो ऑलरेडी बस इतनी ही बड़ी हो सकती है। आप हाँ अगर इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है, तो बस इसकी मैक्सिमम लेंथ इतनी ही है और इसको आप छोटा और कर सकते हो। तो ये काफ़ी छोटू सा बैग है और बहुत बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिला था ये। या आप वेकेशंस वगैरह पे जा रहे हो, आपके छोटे छोटे कई सारे सामान होते हैं, तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा यार, बहुत छोटू सा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। एंड देन फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्वेटर। एक्चुअली मैंने इसको स्वेटर सोच के लिया था अपनी लेदर वाली लेगिंग के लिए, ये वाला स्वेटर भी सेम मैंने उसी के लिए लिया था और ये वाला भी, बट मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि अगर ये थोड़ा सा भी लॉन्ग हुआ ना तो मैं इसको एज अ ड्रेस पहनूंगी। या बिल्कुल मेरे को ये बिल्कुल ड्रेस की तरह लग रहा। और एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी जिस वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया, इसका कलर एंड प्लस इसके पोलो कॉलर काफ़ी अच्छा है यार, बहुत स्मार्ट लग रहा। कलर ब्लॉकिंग तो करंट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, जिसको देखो यार वही, जो भी इन्फ्लुएंसर को देखो सारे कलर ब्लॉकिंग को बहुत ज़्यादा स्टाइल कर रहे। तो मैं सोचा यार एक मेरे पास भी होना चाहिए, तो मुझे ये ग्रीन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा सा लगा। और बट इसका जो कॉलर है वो बीच कलर में, और इसके स्लीव्स भी ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, एक ब्लैक है एंड एक ग्रीन है। को आप ब्लैक कलर की जैकेट के साथ या फिर ऐसे ही स्टाइल कर सकते हो अपने इनर के साथ, कम ठंड में, जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो लेयरिंग भी कर सकते हो। बॉटम में आप लेदर लेगिंग तो मैंने जैसे बोला ही आपसे पहन सकते हो, शॉर्ट्स भी पहन सकते हो, जस्ट साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन सकते हो, या फिर आप कोई भी शॉर्ट डाल सकते हो अंदर अगर आपको हेडेक है कि दिखे नहीं कुछ तो, या फिर नहीं दिखने का पर्पस है तो आप इसमें अंदर अपनी फ्लीस लेगिंग पहन के ऊपर से 29 वाली स्टॉकिंग पे वियर कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड स्टाइलिश लग रहा है। और मैंने इसको स्टाइल किया था बेल्ट के साथ, तो काफ़ी यूनिक वे लग रहा है मुझे। और सारे प्रोडक्ट्स ना मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिला, मैं सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड देन फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा अगेन ग्रीन जैकेट। एक्चुअली ये जैकेट नहीं है, ये भी सैचेट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने एक और सैचेट लिया हुआ है, शर्ट प्लस जैकेट का कॉम्बिनेशन को सैचेट बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये सैचेट। और जो प्रीवियस था मैंने उसका डिस्क्रिप्शन सही से चेक नहीं किया था, बट इस बार मैंने सारे डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक किए थे। और बेस्ट इसकी बात पता क्या है, मैंने इसको पहना ना घर में, बस साइज़ चेक कर रही थी, इतना ज़्यादा वॉर्म है यार, इतना ज़्यादा वॉर्म है और मस्त है। ये देखिए इसमें अंदर लाइनिंग भी है, प्लस लाइनिंग के अंदर क्विल्ट भी भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको जस्ट लाइक बोरे जैसा लगे, वैसा नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। और प्लस ऊपर से दिखने में ब्लैंकेट टाइप का है, बट है नहीं, बिल्कुल भी वेटेड नहीं है और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। मैंने इसके पहले भी जो सैचेट ऑर्डर किया था वो बड़े चेक में है, ये छोटे चेक में। और ये वाला सैचेट मुझे उस ग्रीन वाले स्वेटर के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके साथ भी अच्छा लगेगा। आई थिंक ये आप वाइट पहनते हो तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको स्टाइलिंग भी टिप देती जा रही हूँ साथ में, कि आप इसको कैसे कैसे किस किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ वियर कर सकते हो। एक्चुअली मेरे पास एक भी सैचेट नहीं था, तो मैंने सोचा मैं सेल का वेट कर रही थी कि मैं जब सेल होगी ना तब सैचेट लूँगी। और ये स्पेशली यार जैकेट के कंपैरिजन में सैचेट ज़्यादा महंगी मिलती हैं, बट सेल में यार अमेजिंग, मुझे बहुत अमेजिंग प्राइस में मिल गए सारे के सारे। और मैंने इसको स्टाइल किया है सेम जो अभी कलर ब्लॉकिंग वाला स्वेटर दिखाया है उसके साथ, और काफ़ी अमेजिंग लुक आ रहा है इसका। सो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा सारा आज का शॉपिंग हॉल, H&M शॉपिंग हॉल। और सारे आइटम्स यार अमेजिंग है जो मैंने ड्यूरिंग सेल ग्रैब किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे और स्टाइलिश है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी प्रोडक्ट और उनकी स्टाइलिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और मुझे आप प्री अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर। मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।